नहीं, ना तो किसी की पटिका बदली जाएगी, ना ही कोई नाम बदला जाएगा। मैं ये स्पष्ट बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल टनल का शिलान्यास, जो कि रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामांकन किया। अब तक कैबिनेट शक्लो सूरत में होगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, ये कैबिनेट ही है। विधायक जो चुन जाते हैं उन्हीं में से कैबिनेट बनते हैं, उन्हीं से मुख्यमंत्री बनते, कोई चुनौती नहीं है। दूसरा सर, शिमला से दिल्ली तक जो चर्चा है वो अटल टनल का है, उस पर क्या टेक आपका है? आपने 2 तारीख का घोषणा भी कर दिया है कि वहां पट्टिका लगेगी या बदली जाएगी, क्या स्पष्टीकरण है? नहीं नहीं, ना तो किसी की पट्टिका बदली जाएगी, ना ही कोई नाम बदला जाएगा। मैं ये स्पष्ट बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल टनल का शिलान्यास, जो कि रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामांकन किया। उस नाम को हम बदलने वाले नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री थे, हम उनकी भी गरिमा रखते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन लोगों की भी गरिमा रखनी चाहिए थी जिन्होंने इस टनल का शिलान्यास किया था। श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, एके अंतोनी जी रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, पर सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी की थी, उनका नाम भी है उसमें। और जब उसको 4,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए, जब उसका उद्घाटन किया गया, बननी तो 3-4 साल में थी, एकदम तो शिलान्यास के समय तो बनती नहीं है। शिलान्यास का मतलब है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है, उद्घाटन के समय है ना हमारी सरकार दिल्ली में थी ना राज्य में थी, उनके नाम की पट्टिका उतार कर कहीं छुपा दी गई, तो अच्छा नहीं है ना ये। जब हम नाम नहीं बदल रहे तो हमने ये कहा कि जो भी है हम सब प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो शिलान्यास की पट्टिका है उसको हम दोबारा स्थापित करेंगे, और उस स्थिति में मैं खुद वहां जाकर। नए बने मुख्यमंत्री को लेकर जनता एक ही इंतजार में होती है कि आपके पहले कैबिनेट में टॉप 1-2-3 डिसीजन क्या होगा, सोनिया जी से अब आप कब मिलेंगे, और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, जनता की सेवा करने का ही टॉप डिसीजन होगा। मैडम से कब मिलेंगे? सोनिया गांधी जी से अभी मैं आगे टाइम लूंगा, तब उसके बाद आपसे बात कर। जयपुर जा रहे हैं आप? हाँ, आज क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस विचारधारा के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के 40 के 40 विधायक और प्रदेशाध्यक्ष साथ जा रहे हैं। पेंशन जनवरी से लागू हो जाएगा सबको, पुराने स्कीम के तहत सबको सब कुछ मिलेगा जो कहा है। नहीं नहीं, ना तो किसी की पट्टिका बदली जाएगी, ना ही कोई नाम बदला जाएगा। मैं ये स्पष्ट बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल टनल का शिलान्यास, जो कि रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामांकन किया।